चलेंगे नेक्स्ट एक हेडिंग हेडिंग है अगली उसमें लिखेंगे सिंपल ग्राफ सिंपल ग्राफ में लिखेंगे एक ग्राफ ग्राफ जी इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ एक ग्राफ जी इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ इफ इट हैज नो सेल्फ लूप इफ इट हैज नो सेल्फ लूप्स एंड नो मल्टीपल एजेस एंड नो मल्टीपल एजेस इसके लिए डायग्राम बनाएंगे आप ये वाला डायग्राम बना दोगे नेक्स्ट आइटम डालेंगे हम मल्टीग्राफ मल्टीग्राफ MULTI मल्टीग्राफ इसमें लिखेंगे ए ग्राफ कैपिटल जी ए ग्राफ कैपिटल जी इज कॉल्ड ए मल्टीग्राफ इज कॉल्ड ए मल्टीग्राफ If it has no self loop, if it has no self loop, but it has multiple edges. But it has multiple edges. इसके लिए आप डायग्राम बनाओगे रिपीट कर सकते हो ये वाला डायग्राम ये डायग्राम रिपीट कर सकते हो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पश्चिमोग्राफ PSE UDO GRAPH पश्चिमोग्राफ पश्चिमोग्राफ में क्या है कि लूप और जो पैरेलल एज होती है ना दोनों ही होती है इसमें लिखेंगे ये ग्राफ कैपिटल जी ए ग्राफ कैपिटल जी इज कॉल्ड ए ग्राफ जी इज कॉल्ड पश्चिमोग्राफ इफ इफ बोथ सेल्फ लूप्स एंड इफ बोथ सेल्फ लूप्स एंड मल्टीपल एजेस सेल्फ लूप्स LWPS एंड मल्टीपल एजेस आर अलाउड नेक्स्ट स्टैटिंग डालेंगे डिग्री ऑफ ग्राफ जी डिग्री ऑफ ए ग्राफ ऐसे भी दो हेडिंग डाल रहे हैं डिग्री ऑफ ए ग्राफ
सॉरी एक काम करेंगे आप, पहले इसका डायग्राम बनाओ पैसिडोग्राफ के लिए। पैसिडोग्राफ बनाएंगे आप, पैसिडोग्राफ में क्या है ये डायग्राम बना दोगे, इसमें ये तो पैरेलल एज हो जाएगी और यहाँ पे लूप कर दिया ये, तो आप इस डायग्राम को बनाए। ओके ये डायग्राम कंप्लीट करोगे, ये सारी डेफिनेशन है ना आपको अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आगे की जो डेफिनेशन है ना उनको नहीं समझ पाएंगे। ओके नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे आप डिग्री ऑफ ए ग्राफ। देखो डिग्री ऑफ ए ग्राफ की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ ए ग्राफ क्या है, यानी किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी ना, ग्राफ है उसमें किसी भी वर्टेक्स की अगर डिग्री की बात करें तो V1 वर्टेक्स में कितनी एज एज इंडिकेट है, ये कितनी एज है ना V1 वर्टेक्स में ज्वाइन हो रही है ये देखा जाएगा, यानी V1 वर्टेक्स है इस पर कितनी एज ज्वाइन हो रही है। तो आप देखोगे यहाँ एक तो ये एज है, दूसरी ये है, तो V1 है इस पर दो एज मीट करेंगे, तो अब आप इसको V1 की जो एज है इसको आप क्या, सॉरी V1 की जो डिग्री है ना इसको क्या नाम दिया, इसको डिग्री रहेगी V1 वर्टेक्स पे कितनी एज है इंसिडेंट है, यानी वर्टेक्स V1 है ना इस पर कितनी एज आकर के मिली हुई है ना, इसको इस V1 वर्टेक्स की डिग्री कहेंगे। ऐसे ही V2 वर्टेक्स का देखेंगे कि V2 वर्टेक्स है ना इसकी डिग्री कितनी है, वन है क्योंकि एक ही एज आकर के मिली है इस पर, तो V जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री को आप हम डिग्री को आप डिनोट करोगे तो डिग्री ऑफ V से डिनोट करोगे, यानी डिनोट करने के लिए डिग्री ऑफ V इसके द्वारा डिनोट करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे डी और यहाँ V। अब देखिए अगर आप यहाँ इस डायग्राम में समझें कि V1 की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V1 के लिए बात करें तो यहाँ देखो दो एज है ये V1 पर मीट हो रही है, तो इस V1 की जो डिग्री है वो 2 है, V2 की डिग्री देखें तो V2 की डिग्री कितनी है 1 है, और ऐसे ही डिग्री ऑफ V3, V3 वर्टेक्स की जो डिग्री है ना देखो एक एज तो ये है और यहाँ लूप है ना, लूप की जो डिग्री होगी उसको क्या है दो बार काउंट किया जाएगा, तो देखो लूप है ना तो V3 पर एक तो इधर से काउंट और एक इधर से काउंट, तो ये तीन डिग्री रहेगी इसकी, डिग्री ऑफ V3 इक्वल टू 3, और ये जो V4 और V5 है ना डिग्री ऑफ V4, V4 जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री 2 है, इस पर 2 एज आकर के मीट हो रही है तो ये 2, और डिग्री ऑफ V5, V5 की जो डिग्री है आप देखेंगे कितनी एज ज्वाइन हो रही है यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये बताइए कोई भी स्टूडेंट किसी को क्या प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, बोलिए कोई डाउट तो नहीं है ना डिग्री समझने में, आपको बताया जो लूप है ना लूप की जो डिग्री है वो 2 टाइम काम होती है, राजेश विशाल विशाखा बोलिए क्या है कोई डाउट तो नहीं ना, क्लियर है डिग्री हाँ डेफिनेशन बताएंगे हम, डेफिनेशन में लिखेंगे आप डिग्री ऑफ ए ग्राफ
और इसमें लिखे हैं द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स स्मॉल बी, द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स स्मॉल बी, द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स स्मॉल बी ऑफ ए ग्राफ कैपिटल जी, ऑफ ए ग्राफ कैपिटल जी इज द नंबर ऑफ इज द नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ एजेस ऑफ कैपिटल जी इंसिडेंट विद स्मॉल बी, वर्टेक्स है ना स्मॉल बी, विद स्मॉल बी एंड इज डिनोटेड बाय एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी शॉर्ट में, और भी शॉर्ट करें तो डीवी से भी डिनोट कर सकते हो, डिनोटेड बाय डीवी और डिग्री ऑफ बी ओके नेक्स्ट हेडिंग डालोगे। अच्छा आप पहले एक काम करें, हेडिंग डालने से पहले इस ग्राफ को बनाएंगे और इसके बाद में डिग्रीज को लिखोगे, सभी स्टूडेंट ग्राफ बनाएंगे और इसके बाद में डिग्रीज को लिखोगे, डिग्री ऑफ बी वन इक्वल टू टू, डिग्री ऑफ बी टू इक्वल टू वन, डिग्री ऑफ बी थ्री इक्वल टू थ्री, कंप्लीट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स। देखो आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, कोई भी वर्टेक्स किसी भी ग्राफ में इस टाइप से हो, कोई भी वर्टेक्स जैसे कि इस डायग्राम में बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव और एट ये और वर्टेक्स बी सिक्स, बी सिक्स की डिग्री की बात करें तो बी सिक्स की डिग्री जीरो, तो ऐसी कंडीशन में बी सिक्स जो है आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा, यानी कोई भी वर्टेक्स इन एनी ग्राफ ए वर्टेक्स बी हैव नो डिग्री, हैव जीरो डिग्री ये कह सकते हो, इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आप इसमें लिखोगे ए वर्टेक्स विच इज नॉट, ए वर्टेक्स विच इज नॉट द एंड ऑफ एनी एजेस, ए वर्टेक्स विच इज नॉट द एंड ऑफ एनी एजेस इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स, इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। It's called an isolated vertex. और मैं लिखोगे अब इसको और भी लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, और लगा के लिखेंगे इसमें इसमें लिखेंगे ए vertex, ए vertex of degree जीरो is called isolated vertex, is called isolated vertex।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम नेक्स्ट हेडिंग पेंडेंट वर्टेक्स PENDENT पेंडेंट वर्टेक्स PENDENT देखो पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, अगर ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री है ना वो कितनी हो 1, जैसे यहाँ B2 जो वर्टेक्स है ना इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो ये 1 डिग्री है ना B2 की, तो ये जो वर्टेक्स B2 है वो पेंडेंट वर्टेक्स होगा। लिखेंगे इसमें आप पेंडेंट वर्टेक्स में A वर्टेक्स B ऑफ डिग्री 1 A vertex B of degree 1 is called a pendant vertex. Next heading डालेंगे even and odd vertex. Even and odd vertex. देखिए आपके लिए क्या है, इस बुक में लगभग 3 यूनिट इसी टाइप से होंगी, केवल और केवल आपको थ्योरेटिकली लिखना ही होगा 3 यूनिट्स में, बाकी भी 2 है उनमें थोड़ा मैथमेटिकली चलेगा। ओके डिग्री की डेफिनेशन विशाल पीछे कैसे रह गए भाई, लिखो डिग्री की डेफिनेशन अच्छा डिग्री की डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं सुने। The degree of any vertex is small v of a graph G. The degree of any vertex V. The degree of any vertex V of a graph G is called of a graph of G is the number of degrees, number of edges, is the number of edges of G. The degree of any vertex small v of a graph capital G is the number of edges of capital G incident with small v and is denoted by degree of v. Okay. नेक्स्ट लिखोगे इसमें हेडिंग डालो इवन एंड ऑड वर्टेक्स, और इसको इवन और ऑड वर्टेक्स की जो डेफिनेशन है ना वो देखिए, अगर हम किसी भी ग्राफ में उसके वर्टेक्स की डिग्री निकालें और वो डिग्री अगर इवन नंबर हो तो वह वर्टेक्स इवन होगा, जैसे इवन नंबर है ना 2, ये इवन है, ये भी 2 इवन है और ये भी 4 है, ये इवन नंबर है ना, तो आप देखोगे यहाँ B1 की जो डिग्री है वो इवन है, B4 की डिग्री इवन है और B5 की डिग्री इवन है, तो यहाँ जो वर्टेक्स B2, B4 और B5 है ना ये इवन वर्टेक्स होंगे, और बाकी के जो बच्चे ना 1, 3 यानी B2 और B3 ये ऑड वर्टेक्स होंगे। ओके लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखेंगे ए वर्टेक्स इज कॉल्ड इवन, ए वर्टेक्स इज कॉल्ड इवन
और अकॉर्डिंग एज इट्स डिग्री, एज इट्स डिग्री इज एन इवन और एन ऑड नंबर, इज एन इवन और एन ऑड नंबर। आप क्या करेंगे कि इस डायग्राम में ये जो ग्राफ बना हुआ है ना आपके सामने, इसमें सभी की डिग्री लिखी है और यहां लिख सकते हो इवन इवन वर्टेक्स और वर्टेक्स इवन वर्टेक्स, तो आपके पास v1 v4 v5 v1 v4 v5 और परसेंट वर्टेक्स है ना आपके पास v2 v3 इस डायग्राम को। इसके बाद में ये जो डिग्री ऑफ v1 v2 है इनको, और इसके बाद भी आपको क्या ये इवन वर्टेक्स ऑड वर्टेक्स लिखने हैं, लेकिन आप इसके लिए स्क्रीनशॉट लें और बाद में लिख लेना। ओके, सभी स्क्रीनशॉट लें, बाद में नोट कर देना। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही। ऐसा है,